आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में बंगाल में टीएमसी के लोग मर रहे हैं, बीजेपी के लोग मर रहे हैं, और 100 लोगों की दुकानें जल रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है, बट फिर भी सरकार इसको इग्नोर कर रही है। तो इसी टॉपिक पर बहुत सारे क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर ने अपना ओपिनियन दिया है और सम्राट भाई ने गवर्नमेंट को ओपनली एक लेटर भी भेजा है। तो आइए सभी के वीडियो की छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। हमारी जनता इतनी पागल है भाई, इतने चूतिया पे करती है, कास्ट सिस्टम में बिलीव करते कि भाई हम तो कैसा, ये ना मुजरिम है, इसने मर्डर कर रखे भी कोई बात नहीं, हमारी जात का, हमारे रिलीजन का, हम इसको वोट देंगे। भाई ये जनता की गलती है कि वो अपना लीडर ढंग से चूज नहीं कर पा रहे। तो भाई अगर तुम ऐसे क्रिमिनल को वोट दोगे तो यार तुम्हारा एमएलए सांसद भैया क्रिमिनल ही तो होगा, तुम उससे अच्छे रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर जिम्मेवारी किसकी बनती है कि भाई कौन एक्शन ले, ममता बनर्जी की। अगर वो एक्शन नहीं ले रही तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी भी इन्वॉल्वड है। अगर ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही तो पता है किसको एक्शन लेना चाहिए? इसमें सीधा सीधा आंसर है भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। जब उनको पता है कि भैया ऐसी जगह पे ये पॉलिटिकल फाइट्स होती रहती है, इतना क्रिटिकल हो सकता है, मर्डर हो सकता है, ये हो सकता है, तो भाई हमारी गवर्नमेंट चुप क्यों है यार? जब सेक्शन 365 के अंडर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है तो यार हमारी सरकार प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा रही? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 300 प्लस सीट है भाई, वो वहां पे बैठ रखी है 300 प्लस सीट के साथ, और उनके स्पोक्स पर्सन आके ट्विटर पे पता क्या कह रहे कि हम वर्चुअल धरना देंगे। चलो धरना दे लो, वर्चुअल धरना क्या है अभी? मोदी जी आपसे ना मैं एक डायरेक्ट बातचीत बोलना चाहूंगा। पहली तो ये कि भाई देखो आप इतने अच्छे अच्छे बिल लेके आते हो, सीए लेके आए, एनआरसी लेके आए, एनआरसी तो ढंग से आई भी नहीं थी। तो पहले भाई शाहीन बाग में 100 दिन तक नौटंकी चलती रही, बिरयानी बटती रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोगों की जान गई, इतने दंगे हुए, वो भी कोई बात नहीं क्योंकि हम भूल गए हैं वो वाली चीजें भी, हमें कहां याद रहता है। तो भाई देखो मेरा जो मेन चैनल है मैंने वहां पे वीडियो बनाई, मैं वहां पे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो कवर नहीं करता, पर मैंने फिर भी वो वीडियो डाली, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि भैया जो सीए एनआरसी है वो हमारे देश के लिए सही है। लोगों को समझ नहीं आई, मैंने खूब गाली खाई इस चक्कर में, खूब कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो, खूब गाली खाई, खूब हेट खाई। क्यों खाई? क्योंकि भाई मैं लोगों को कन्विंस करना चाहता था। क्यों कन्विंस करना चाहता? क्योंकि आपके आईटी सेल के लोग और आपकी गवर्नमेंट लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई कि भैया सीए एक अच्छी चीज है। मैंने आपका खूब सपोर्ट करा उस जगह पे, पर मेरे को क्या मिला बदले में? मेरे को मिली सिर्फ गालियां। लेकिन आज जब मैं इतिहास उठा के देखता हूं, मेरे को पता चलता है कि भैया जिसके लिए हमने इतनी सारी गाली खाई, इतना हेट खाया, वो बिल तो आप लेके नहीं आए, उस पर आपने स्टे लगा दिया। आप किसान वाला बिल लेके आए, हमने आपको सपोर्ट करा। लाल किले पे जो दंगे हुए भाई, वहां पे मैंने अपोज करा कि ये नहीं करना चाहिए था उनको, कि भाई ये झंडा नहीं फहराना चाहिए था, उसके बदले में मेरे को क्या मिला? मेरे को भाई बहुत ज्यादा गालियां मिली। अगर आपको सपोर्ट करने से गालियां मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम गाली खा लेंगे। पर जो बंगाल में हो रहा है ना, आपको सपोर्ट करने वालों के साथ क्या क्या, और आपको पता होगा उनको मार दिया जा रहा है। तो आपको चीज बता दूं कि भैया जान सबको प्यारी होती है और हमें भी प्यारी। अब कल ट्विटर पे भाई हैशटैग चालू हो रखा था स्पाइनलेस बीजेपी, उसके ऊपर मैंने भी ट्वीट कर रखा। तो लोग मेरे को आके कह रहे भाई क्यों कर रहे हो तुम यार, बीजेपी को अपोज क्यों कर रहे हो, मोदी जी हमारे अच्छे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम ये स्पाइनलेस बीजेपी हटा दो। भाई क्यों हटा दूं यार, मैं एक चीज बताऊं, मेरे को भाई क्यों हटा दूं? ऊपर तक बात जानी चाहिए ना, हम क्या करें बताओ? ममता बनर्जी से उम्मीद करें कि भाई ममता बनर्जी को सेंट्रल में लाओ, ये हमारी कुछ हेल्प करेगी है? अगर ममता बनर्जी को सपोर्ट करना होता तो 2014-19 में जब महागठबंधन की सरकार होती है, हम उसको सपोर्ट करते ना। पर हमें पता है कि भाई अगर ये सेंटर में आ गए तो ये कुछ नहीं करने वाले। अब देखो आज कोविड की सेकंड वेव चल रही है, मतलब इतने सारे लोग मर रहे हैं, फिर भी आपने रैलीज करी, इतने सारे लोग आपकी रैली में इकट्ठे हुए, आपने स्टेटमेंट दी कि ओ भाई देखो हमारी रैली, देखो कितनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। ये स्टेटमेंट थी कि भाई बहुत बहुत बढ़िया रैली हो रखी है। आपको पता है रैली में इतने सारे लोग क्यों आए? मतलब अपनी जान की परवाह ना करके भी रैली में आ रहे हैं। वो कुछ खाने पीने का तो लेके जा नहीं रहे, वो ना आंखों में उम्मीद लेके आ रहे थे कि मोदी जी उनके लिए कुछ करेंगे, पर अब शायद उल्टा नजर आ रहा है उनको। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे आपकी रैलीज में आए थे, आज उनकी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको खुद मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे हार गई। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भाई आप सेंटर में बैठे हो, 300 प्लस आपके पास सीट है, पर आपको क्या करना है? हमको तो जी धरना देना है, वर्चुअल धरना देना है। मैं भी देखता हूं भाई धरने से क्या हुआ। मोदी जी मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, आपको खूब एडमायर करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर मैं किसी को बेस्ट पीएम मानता हूं तो वो आपको मानता हूं। आपने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, आपने पुलवामा के टाइम पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, मतलब आपकी बराबरी मैं तो कर नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। बट फिर भी मतलब एज अ कॉमन सिटीजन मैं आपको बोलना चाहूंगा, एज अ सपोर्टर आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने आज लोगों को ऐसे जलते हुए छोड़ दिया, लोगों को मरते हुए छोड़ दिया, तो लोगों का पता नहीं भाई, मैं तो माफ नहीं कर पाऊंगा सर आपको। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे सीधी बात, नो बकवास। बंगाल के ऊपर आज किसी की दुकानें लूटी जा रही है, किसी बहन बेटी के ऊपर रेप कर रहा है। ये हम तो वो पार्टी के है ना, जीत गई, अभी हम लोग करेंगे मनमानी। अभी वो पार्टी अगर जीतती दूसरी, वो करते। तुम लोग के कार्यकर्ता की ऐसी जिंदगी झाटी है, तुम लोग की जिंदगी ऐसी झाट है। नेता बेटा है घर पे, टीवी पे देख रहा है किसकी कितनी छूत गई, किसके कितने लौड़े लग गए, उनको क्या करना है? तुम लोग हो ना चूतिया लोग, है ना चूतिया लोग तुम लोग। तुम्हारे घर पे राशन आ रहा है, राशन भर रहे तुम्हारे घर पे ना मादर छोदो। बच्चों की पढ़ाई फ्री कर रहा है तुम्हारा नेता, जीत गया। हॉस्पिटल का खर्चा पूरा उठा रहा है तुम्हारा नेता, जीत गया। कॉलेज बांध के दिया, तुम्हारे बच्चे कॉलेज में फ्री करके दिया ना। अभी कोविड चालू है, उसमें हॉस्पिटल में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब फ्री दे रहा है ना वो, तुम्हारा नेता ने दिया। काय का दिया, लौड़ा दिया तुम्हारे को, क्या दिया तुम्हारे नेता ने तुम्हारे को? तुम्हारे को तुम्हारे नेता ने बस कटोरे में चांद दिखाया कि मुझे जिताओ, मैं आने के बाद तुम्हारे लिए ये करूंगा, फिर आने के बाद वो हाथ में तुम्हारे लौड़ा दे देता है।
जिंदगी भर झगड़े किए ना मादर चोदो, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, चर्च बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए, मादर चोदो स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल में फ्री एडमिशन मिलना चाहिए। इसके लिए झगड़े किए क्या तुम लोग ने मादर छोड़? किसी नेता को पढ़ा नहीं है कुछ भी, किसी नेता को कुछ नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता ना तो आज हॉस्पिटल में आज जो लोग रोड पे मर रहे ना नहीं मरते। अभी तो आके खोलो मादर चोदो अभी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, ब्लेम गेम। मैं मानता हूँ स्टेट की पावर टीएमसी के पास है, लेकिन कंट्री की पावर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। एक और लेसन देके जाना चाहूंगा। बंगाल का एक कांकोरा गांव था, ये दलित गांव था, इसको फूंक दिया गया। सेम बुद्ध आदिवासी गांव था, ये भी दलितों का गांव था, इसमें आग लगा दी गई। पूर्वी बर्धमान में कंटिन्यू दलितों के साथ ये चीज हो रही है। और हमारे दलित लीडर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम शांत है। और वो शांत क्यों, क्योंकि वो जिस गवर्नमेंट से नफरत करते हैं वहाँ पे रूल नहीं कर रही है, वहाँ वो गवर्नमेंट रूल कर रही है जिसको वो सपोर्ट करते हैं। आपको समझा, जो हाथरस वाले टाइम आपने देखा था ना किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ था, किस तरीके से अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट कर दिया था लोगों ने, आज ये लोग नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इनकी मनपसंद गवर्नमेंट वहां पे बैठी हुई है। तो आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी लीडर्स हैं ना, ये सबके सब बायस्ड हैं। आज अगर ये नहीं बोल रहे तो ये आपको सीधा सीधा दिखा रहे हैं भाई, प्रूवली दिखा रहे हैं कि हम बायस्ड हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं देख पाते हैं, इनके नैरेटिव में फंस जाते हैं, तो बेवकूफ ये नहीं, बेवकूफ आप हैं। देखो मोदी जी, आई एम 100% श्योर कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। इन केस अगर आप नहीं देखते होंगे तो कोई ना कोई होगा जो मेरी वीडियो देखता होगा और आप तक पहुंचा देता होगा। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, हम आपसे कुछ गलत करने नहीं बोल रहे, हम आपसे नहीं कह रहे कि कोई आप गलत फैसला लें, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तब शायद आप सीएम बन चुके थे। तो आप में समझदारी मेरे से बहुत ज्यादा, और मैं लेवल 1% पे भी नहीं आता आपके, सीरियसली बोलूं तो 1% पे भी नहीं आता। बट एज अ यूथ मैं जो चीज देख रहा हूं, ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो रही है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के शपथ ली थी, आप असेंबली में पहुंचे थे, आप प्राइम मिनिस्टर बने थे जिस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए, बंगाल में आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज बंगाल में उसी कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया जा रहा है। हमारे लिए ना सही तो कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल दीजिए सर। मेरे को नहीं समझ में आ रहा आपका आईटी सेल क्या लॉजिक चला रहा है। शायद हो सकता है उसका लॉजिक ये हो कि अगर वोट नहीं दिया तो सबके साथ ऐसा होगा, हो सकता है, श्योरली हो सकता है। मैं आपके आईटी सेल पे 1% भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं आप पे बिलीव करता हूं, मैं अपने होम मिनिस्टर पे बिलीव करता हूं। मैं मानता हूं आपकी एक पोस्ट से या फिर आपकी एक्शन से पूरी लेफ्ट लॉबी ऑफेंड हो जाएगी, वो अभी चुप है, शांत है, लेकिन आपकी एक्शन से वो बोलना शुरू कर देगी। लेकिन आपको भी ये बात समझनी चाहिए, जो आपके प्रो वर्कर्स हैं या फिर जो आपके सपोर्टर हैं आज, उनको कितना बुरा लगा। जो आपके एक्शन से ऑफेंड होने वाले हैं ना, उन्होंने आपको वोट देकर नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपके सपोर्टर्स ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीजें होती रही तो आप मुझे बता दीजिए ना, डर के मारे कौन सपोर्ट करेगा। जिनको लिंच किया जा रहा है, जिनकी दुकानें लूटी जा रही है, उनका गलती क्या था, आपको वोट देना। और उसके बाद भी अगर आप एक एग्जांपल सेट नहीं कर पा रहे हैं तो सीरियसली मोदी जी, आप सबका विश्वास जीत गए होंगे लेकिन हमारा विश्वास खो गए। मैं सीरियसली कल से फुटेज देख रहा हूं, एंड जिस हिसाब से लोग पलायन कर रहे हैं, एक जगह को छोड़ के जा रहे हैं, 100-100 लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं बोला जाता इन चीजों के ऊपर, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव। एक तरफ देश में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस की काउंटिंग चलने लग रही है, वहीं दूसरी तरफ 2 मई को उन इलेक्शन रिजल्ट्स की काउंटिंग हुई जिनकी रैलीज में ये कोरोना वायरस एक्चुअली में फैला था, और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग है। की बात करें तो जो भी एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था वो सब गलत निकला। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे के सारे एग्जिट पोल्स बुरी तरह से फेल हो गए। इन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा टीएमसी को 180 सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी मिली है टीएमसी को। ना सिर्फ इन्होंने 200 का मार्क क्रॉस किया, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बेटर रही है पिछली बंगाल की इलेक्शन से। तो आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना, आपका ओपिनियन जरूर रखना। तो मैं मिला हूं एक और नई इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। So I've been running up the ends like a track star.